मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट ए न्यू एसे ऑन ए विजिट टू द रेलवे स्टेशन इन द सेवंथ स्टैंडर्ड. यू नो एज यू नो व्हाट आर दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन इन दिस क्लास. हेयर देर इज ए लास्ट essay of your syllabus, a visit to the railway station. Railway station घूमने चल रहे हैं, ठीक है. railway station की visit के बारे में ये essay है. तो देखेंगे last Sunday का मतलब पिछले रविवार को I went to the New Delhi railway station to receive my aunt. मैं अपनी aunt को receive करने के लिए नई दिल्ली railway station गया था. द स्टेशन वाज फुल ऑफ क्राउड. स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी. माई फादर बॉट टू प्लेटफॉर्म टिकट्स एंड वी वेंट इन. मेरे पिताजी ने दो प्लेटफॉर्म टिकट्स खरीदे और तब हम अंदर गए. देयर वाज ए ग्रेट कमोशन ऑल अराउंड. वहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी. पीपल वर शाउटिंग, लोग चिल्ला रहे थे. इंजिन्स वर विशलिंग एंड दी वेंडर्स वर बिजी सेलिंग ईटेबल्स. जो ट्रेन का जो इंजन है वो सीटियाँ बजा रहे थे और जो वेंडर्स होते रेलवे स्टेशन पर वो अपना सामान बेच रहे थे, खाने वाला सामान. ईटेबल लिखा है ना बेटे, खाने योग्य. वो पेस्ट पेटीज वगैरह बेचते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, बिस्किट भी, फ्रूटी भी, बहुत सारी चीज़ें. जब आपने कोई ट्रेन में जर्नी की होगी तो बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं. द प्लेटफॉर्म वाज क्राउडेड विद हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स एनक्जियसली वेटिंग फॉर द ट्रेन. प्लेटफॉर्म पर 100 से भी ज़्यादा यात्री थे जो बड़े ही चिंता से अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे. चिंतित हो करके, एनक्जियसली का मतलब हो जाएगा यहाँ पर चिंतित. द ट्रेन वाज ए ह्यूज प्लेस. ट्रेन में बहुत सारा स्पेस था. देयर वर वेरियस ऑफिसर्स. वहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स थे. द स्टेशन मास्टर्स ऑफिस, वहाँ पर स्टेशन मास्टर का ऑफिस था. द टिकट कलेक्टर्स ऑफिस, टिकट कलेक्टर का ऑफिस भी था. दी पार्सल ऑफिस, वहाँ पार्सल ऑफिस भी था. दी रेलवे मेल सर्विस ऑफिस एंड मेरी मोर, वहाँ पर रेलवे का सर्विस मेल ऑफिस भी था. देर वॉज ए बिग वेटिंग हॉल फॉर द पैसेंजर्स. वहाँ पर एक बड़ा वेटिंग हॉल्स भी था पैसेंजर्स के लिए. देयर वर मैनी टी स्टॉल्स, ए बुक स्टॉल एंड ए रिफ्रेशमेंट रूम. वहाँ पर एक रिफ्रेशमेंट रूम भी था, वहाँ टी स्टॉल्स भी था. टी स्टॉल्स का मतलब चाय की दुकान, बुक स्टॉल बुक की दुकान. देयर वॉज ए लॉन्ग ओवर ब्रिज कनेक्टिंग ऑल द प्लेटफॉर्म्स. सभी प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक ब्रिज भी था. देयर वर पीपल ऑन एवरी प्लेटफॉर्म वेटिंग फॉर देयर ट्रेन्स. सभी यात्री अपने अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे. पोर्टर्स वर बिजी कैरिंग लगेज ऑन देयर शोल्डर्स एंड ऑन देयर हेड्स. वो अपने सर पर, अपने कंधों पर यात्रियों का सामान ढो रहे थे. सम वर व्हीलिंग लगेज बैरो. कुछ लोग जो एक हाथ से चलने वाली गाड़ी होती है, व्हील लगेज बोलते हैं उसको, वो क्या होती है, एक तरह से हाथ गाड़ी होती है, उससे पोर्टर्स जो हैं अपना सामान ढोते हैं. सून वी हर्ड दी पब्लिक अनाउंसमेंट. जल्द ही हमने एक पब्लिक अनाउंसमेंट सुना. सिस्टम दैट आवर ट्रेन वॉज अबाउट टू रीच ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3. हमारी जो अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू जो हमें पता चला था, जो हमारी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है. We walked to the overbridge along with some other passengers. दूसरे यात्रियों के साथ हम भी हम overbridge पर चढ़ गए. Crossed it, हमने इसको पार किया and reached there.
एंड रीच्ड देयर, और हम वहाँ पहुँचे। सून द विसिल ऑफ इनकमिंग ट्रेन्स अलर्टेड अस एंड वी बिगेन टू वेट फॉर द अराइवल ऑफ द ट्रेन। और हमने जैसे ही ट्रेन की आने की सीटी सुनी या हॉर्न सुना, और हम बहुत ज़्यादा क्या हो गए, हम बहुत ज़्यादा सावधान हो गए जब हमारी ट्रेन आ गई। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, आप इस वर्क को अपनी